लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस हमीरपुर ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले जिला पुलिस ने थाना स्तर पर बड़ी सिक्योरिटी तैयार करने की योजना बनाई है। पहले चुनाव के दौरान जहां राज्य और जिला स्तर पर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाता था, वहीं इस बार जिला पुलिस ने थाना स्तर पर माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान चुनाव से पहले तैयार करने की योजना बनाई है। 31 मार्च से पहले कार्य योजना फुल प्रूफ प्लान पुलिस महानिदेशक को प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने थाना स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन कर लिया है। मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को इन फ्लाइंग स्क्वाड का जिम्मा सौंपा गया है। हर थाना में 3 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम गठित की गई है। माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान के अनुसार चुनाव से पहले हर क्षेत्र में थाना स्तर पर हिस्ट्री शीटर शरारती तत्वों की सूची तैयार की जाएगी। इस प्लान में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान होगा। इसके अलावा गठित किए गए फ्लाइंग स्क्वाड भी चुनाव के दौरान सक्रिय रहेंगे। हमीरपुर जिला में 5 स्थानों के तहत 15 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं। एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार चुनाव से पहले थाना स्तर पर माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन कर लिया गया है। हर थाना में 3 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का जिम्मा मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को सौंपा गया है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के स्वर में हिस्सा लेने की अपील की है। चौकी इंचार्जों के साथ इसमें हमारा एक माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान बनाने का एक नया सिस्टम जो इस बार लागू किया गया है, वो उस बनाने में चर्चा हुई, जिसमें एक पुलिस थाना के अधिकारी अपने लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट का तो ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का एक ऑलरेडी सिक्योरिटी प्लान बनता है। इस बार हम माइक्रो लेवल एक थाना लेवल पे भी एक सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस में जो एक्शंस हैं उसके ऊपर भी चर्चा की गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कुछ अगर इस तरह की हरकतें हों जिसमें करेंसी नोट या शराब इत्यादि का कोई ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा हो तो उसके ऊपर भी हमने उसके ऊपर चर्चा की। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हमारा एक मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी जो हैं उसके इंचार्ज हैं। हर थाने में 3 इस तरह की फ्लाइंग स्क्वाड बन चुके हैं, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। उनके नंबर हमारे पास मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि पब्लिक भी अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट आए तो उन फ्लाइंग स्क्वाड को डायरेक्टली इन्फॉर्म करें इस बारे में, ताकि हम उन पर समय रहते एक्शन ले सकें। आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर कोई इस तरह का कोई कंप्लेंट या इस तरह की कोई जानकारी हमें देना चाहें तो वो हमको दे सकते हैं। गोपनीय तौर पे हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम हमारा फेसबुक पेज है हमीरपुर पुलिस का, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, और अदरवाइज़ जो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में नंबर्स हैं उस पर भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट तो नहीं आई है फिलहाल हमारे पास, बट अगर कोई आएगी तो उसको हम बिल्कुल सीरियसली लेंगे और उसको हल करने का हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जी जो हमारे को हमने खुद अपने लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ हमको डायरेक्टिव्स जो है इलेक्शन कमीशन के थ्रू से भी के माध्यम से भी आए हैं।